क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम ऑफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। राजकोट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लाइव मैच में फैंस की सांसें उस वक्त अटक गई जब बल्लेबाजी कर रहे शिखर धवन की पसलियों पर आकर तेज रफ्तार बॉल लगी। बॉल लगने के बाद धवन जमीन पर गिर पड़े। स्टेडियम में मौजूद हर किसी की सांसें अटक गई। राजकोट वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया। शिखर धवन और रोहित शर्मा ने बिना कोई गलती किए भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई। रोहित शानदार खेल रहे थे तो धवन ने भी सेट होने के बाद अपनी लय पकड़ ली। मगर इसी बीच 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर ऐसा कुछ हुआ जिससे स्टेडियम में मौजूद हर शख्स घबरा गया। एक पल के लिए लगा कि टीम इंडिया के गब्बर को कहीं कुछ हो ना जाए। दरअसल पैट कमिंग्स की 132 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली बॉल सीधे धवन की पसलियों पर आकर लगी। बॉल इतने खतरनाक तरीके से लगी कि कमेंटेटर तक हैरान रह गए। मगर धवन का जज्बा देखिए, बॉल से चोट लगने के बाद भी धवन ने एक रन नहीं छोड़ा और रन लेने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही रन पूरा हुआ तो धवन की हालत बेहद खराब हो गई और वो जमीन पर गिर पड़े। धवन की हालत देखकर रोहित भी घबरा गए और तुरंत उनके पास पहुंचे। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम भी धवन की हालत देखकर हक्की बक्की रह गई। वहीं तुरंत फिजियो को भी मैदान में बुलाया गया। फिजियो के ट्रीटमेंट के बाद धवन को थोड़ी राहत मिली और वो दर्द को इग्नोर कर फिर से खड़े हो गए। और जैसे ही धवन ने बल्ला उठाया तो दर्शकों का उत्साह भी देखने लायक था। हर किसी ने राहत की सांस ली। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।